हाय, सो आज से हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। काफ़ी जो हाई पैकेज की कंपनी आती है ना, जो काफ़ी इनकम देती है अपने, वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग ही पूछती हैं। जैसे कि मेरे कॉलेज में सबसे पहले आई थी न्यूटेनिक्स, 22 बेस था उसका, बेस सैलरी 22, फ्लिपकार्ट की भी 16 है, राइट। सो बेस सैलरी उसकी 22 थी न्यूटेनिक्स की। सबसे पहला क्वेश्चन उसने पूछा था मेरे को एक मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन के एक डेरिवेटिव क्वेश्चन में, जो कि ऑफकोर्स डीपी है। इसका मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन का ही वेरिएशन था। ओके, सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेरा नहीं हुआ था ऑफकोर्स, तभी फ्लिपकार्ट में हुआ मेरा। ये खाली इंटर्न के लिए आई थी बाय द वे। सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे मूव ऑन करते हैं हम लोग, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कोई क्वेश्चन डायनेमिक प्रोग्रामिंग का है या नहीं, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपन। ओके, सो सबसे पहले मैं तुमको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो लोग सीधा ये टेबल, ये मैट्रिक्स बनाना शुरू करते हैं ना डायनेमिक प्रोग्रामिंग की, है ना, एकदम गधे होते हैं वो लोग। ये से बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। ये कोई नहीं बना सकता डायरेक्ट, ये कोई नहीं बना सकता डायरेक्ट। अगर तुम रट रहे हो इसको कि ऐसे टेबल बनेगी, ऐसे इनिशियलाइजेशन होगा, या फिर ये रो इससे भर दूंगा मैं, जीरो से भर दूंगा, उसके बाद ऐसा ये फॉर्मूला ये ऐसा, कभी तुम्हें डायनेमिक प्रोग्रामिंग ज़िंदगी में नहीं आएगी, ठीक है। सो मेन बात समझो कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग है क्या। डीपी है इन्हेंस्ड रिकर्सन, रिकर्सन है डीपी। रिकर्सन में ये फंक्शन है एक, ये दोबारा किसी और फंक्शन को कॉल करता है, ये दोबारा किसी और फंक्शन को कॉल करता है, मतलब खुद को ही कॉल करता है विद स्मॉलर इनपुट। ये एन पे था तो ये n-1 पे कॉल करेगा, n-2 पे कॉल करेगा, ऐसा। तो ये कॉल बार बार होती हैं, ये बार बार नहीं हो तो हम लोग इसको इस टेबल में स्टोर करते हैं, तो ये डीपी बन जाती है। डीपी का पेरेंट कौन है? रिकर्सन। ये लोग भूल जाते हैं, सीधा टॉप एंड डाउन लिखना शुरू कर देते हैं। टॉप डाउन डीपी तुम ऐसे लिख ही नहीं सकते। तो डीपी जैसी है ना, उसको वैसे अप्रोच करोगे तो ही डीपी का सलूशन लिख पाओगे, नहीं तो नहीं। तो पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि डीपी को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई करना सीख लेते हैं। अब मैंने तुमको क्या बताया कि डीपी क्या है? इन्हेंस्ड रिकर्सन है, बीइंग अ इन्हेंस्ड रिकर्सन, इसकी जो भी पेरेंट प्रॉब्लम है इसकी क्या है? रिकर्सन ही है। डीपी रिकर्सन ही है, रिकर्सन भी मैं पढ़ाऊंगा थोड़े दिनों बाद। तो रिकर्सन को पहचानने के जितने तरीके हैं, वो सारे पहचानने के तरीके डीपी में भी आ जाएंगे, पहला पॉइंट। और दूसरा, डीपी की प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ ऑप्टिमल मांगते हैं। अच्छा ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि रिकर्सन को कैसे पहचानेंगे, रिकर्सन या फिर डीपी। अभी डीपी की बात कर रहे हैं तो डीपी की देख लेते हैं। डीपी को पॉइंट पहचानने के दो तरीके हैं मेन। डीपी के प्रॉब्लम में हमको हमेशा कोई ना कोई चॉइस दे रखी होगी, चॉइस इन अ सेंस कि अपने को जैसे एक नैपसैक दे रखा है, तो अपने पास चॉइस होगी कि इस एलिमेंट को इंक्लूड करें नैपसैक में या नहीं करें, राइट। इस एलिमेंट के लिए भी चॉइस होगी, इसको इंक्लूड करें या नहीं करें, तो अपने को चॉइस होगी। यहाँ पर जहाँ पर भी चॉइस लग रही है ना, तुमको लग रहा है कि इसमें चूज़ करने का ऑप्शन मिल रहा है कि यहाँ तो इसको इंक्लूड कर सकते हैं या तो इसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, वहाँ रिकर्सन, हमेशा रिकर्सन लगेगा। और रिकर्सन लगेगा, और रिकर्सन में अगर ओवरलैपिंग प्रॉब्लम है तो डीपी लगेगी। उस पर हम लोग आएंगे कि ओवरलैपिंग प्रॉब्लम क्या होता है, वो सब फालतू की बात है, बहुत सिंपल है। अगर रिकर्सन में दो कॉल हो रही हैं, अगर एक कॉल हो रही है तो कभी ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इसके बाद ही ये ओवरलैप होगा, इसके बाद ही ये वाली रिकर्सन कॉल होगी। अगर एक कॉल हो रही है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो कभी ओवरलैपिंग नहीं होगी। पर दो कॉल हो रही है ना, तो हो सकता है कि ये वाला इधर वाला कॉल जो है वो अब तक यहाँ पर कहीं सॉल्व हो चुका हो, तो ऐसे काम करता है, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पर सॉल्व हो चुका होगा तो इसको दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी रिकर्सिव फंक्शन दो कॉल करता है ना, ओवरलैपिंग से प्रॉब्लम बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है। तुम पहचान नहीं पाओगे, डीपी खत्म हो जाएगी, कंपनी आके निकल जाएगी। उससे पहले मैं तुमको सिंपल बताता हूँ कि रिकर्सिव में दो फंक्शन कॉल हो रही हो ना, कहीं पर भी एक फंक्शन कॉल हो रही हो, कभी भी डीपी नहीं लगेगी। दो फंक्शन कॉल हो रही हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि यहाँ पर
ये ऐसे चलता है, यहाँ से ये फंक्शन पहले सॉल्व होगा, ये फंक्शन सॉल्व होगा, उसके बाद यहाँ आएगा। तो हो सकता है यहाँ पर कहीं ये फंक्शन पहले ही कॉल हो चुका हो, तो अपन ये वाला स्टोर कर लें, तो अपन यहाँ पर ये वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो इतना समझ लो, रिकर्सिव फंक्शन अगर दो कॉल कर रहा है खुद को, तो कहीं ना कहीं डीपी लगेगी उसमें। ठीक है, फर्स्ट चॉइसेस ये रखेंगी, चॉइसेस और रिकर्सन है, रिकर्सन में दो कॉल हो रही हैं, तो डीपी कहीं ना कहीं लग सकती है, कंसिडर करो डीपी लगाना, पहला। दूसरा आइडेंटिफिकेशन क्या है, ऑप्टिमल चीज़ें पूछी गई होंगी। ऑप्टिमल से क्या मतलब है, मिनिमम पूछेंगे, मैक्सिमम पूछेंगे, लार्जेस्ट पूछेंगे, मतलब सब ऑप्टिमल है। बताओ कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, ये एक क्वेश्चन दे रखा है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन दे देंगे 2 × 5 + 3, मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करो, तो ऑप्टिमल क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। तो ये दो बेसिक चीज़ें हैं कि अपने को, मैं फिर से एक बार समअप कर देता हूँ, कोई चॉइस दे रखी होगी, चॉइस करने का मौका मिलेगा, और ऑप्टिमल पूछा होगा। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, चॉइस है तो रिकर्सन है, अगर रिकर्सन है उसमें अगर दो फंक्शन कॉल कर रहा है, तो डीपी कंसीडर करो, कहीं ना कहीं शायद डीपी लग सकती है, और ऑप्टिमल पूछा होगा तो डीपी लगेगी। ठीक है, हमको अगर चलो पहचान में आ गया, हम लोग ने देखा कि अरे हाँ यार, यहाँ तो चॉइस लग रही है और दो फंक्शन कॉल भी हैं, डीपी लगेगी। अब डीपी कैसे लिखेंगे, डीपी का, अब अच्छा तुमको समझ में आ गया कि हाँ डीपी लिखनी है यहाँ पर। ठीक है, इस पर भी आते हैं थोड़ी देर में। ये देखो, तुमको इतना समझ में आ गया कि चलो डीपी लगेगी, तो तुम सीधा ये टेबल बनाना शुरू कर दोगे। चलो मैट्रिक्स बनाऊँ मैं, और अब इसको कैसे इनिशियलाइज करूँ, मेरे को कुछ पता नहीं है, बस फिर भी मैं किसी ना किसी वैल्यू से इनिशियलाइज कर देता हूँ, चलो जीरो से कर देते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे करोगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैंने तुम्हें क्या बताया है, डीपी का पेरेंट कौन है, रिकर्सन है। तो वैसे ही चलो, सबसे पहले तुम्हें रिकर्सिव सोल्यूशन लिखना है। ये खुद ये टेबल बनाना बहुत ईजी होता है, पर लोग क्या करते हैं, मेरे क्लास में 70% लोग सीधा ये टॉप एंड डाउन शुरू कर देते हैं, मेरे को लगता था मैं चूतिया हूँ, है ना। तो रिकर्सिव, पहले रिकर्सिव फंक्शन लिखो, इसे तुम ये बनाना बहुत इजी है, और अगर तुम इसे शुरुआत से बनाओगे तो कुछ ना कुछ गलती जरूर कर दोगे, इतना दिमाग किसी में नहीं है। रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखो, उसको मेमोराइज करो, और उसके बाद अगर मर्जी हो तो टॉप डाउन करो। रिकर्सिव फंक्शन को तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो तुम इसको मेमोराइजेशन यूज़ करके, बहुत इजी होता है, मेमोराइजेशन में एक दो लाइन और लिखनी पड़ती है, मेमोराइजेशन हो जाता है रिकर्सिव फंक्शन का, और या तो इसको तुम टॉप डाउन में चेंज कर दो। उसके लिए तुम्हारे पास मस्ट है कि तुम रिकर्सिव फंक्शन लिखा है तुमने उसके लिए। जब अगर रिकर्सिव फंक्शन लिख दोगे ना, तो ये जो ये मैट्रिक्स है ना, ये जो लोग सबसे पहले बनाने बैठ जाते हैं कि हाँ डीपी का क्वेश्चन, तो मैं मैट्रिक्स से बना ही देता हूँ, ये बनाना बहुत ईजी होता है। एक बार तुम बस रिकर्सिव सोल्यूशन लिख दो, बहुत ईजीली लिखो, नहीं मैं कौन कह रहा पूरा लिखो, तो बस मन में सोच लो कि हाँ ऐसे ये रिकर्सिव सॉल्यूशन इसका होगा, रफ पेज पे थोड़ा सा लिख लो, उसके बाद ये बनाना सीधा शुरू कर दो। पर सीधा ये बनाना कि अरे हाँ डीपी है तो सीधा ये, बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारी जगहों पे सीधा ये इस टॉप डाउन अप्रोच से ही शुरू कर देते हैं लोग। यूट्यूबर्स भी यहाँ पढ़ा रहे हैं ना, यूट्यूबर्स इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, मेरे को लगता है कैसे पढ़ा रहे हैं, ज़िंदगी में कभी कोडिंग करी है कि नहीं करी है खुद से, सीधा ये लेके बैठ जाते हैं कि हाँ इसको ऐसे इनिशियलाइज करेंगे, ऐसे इनिशियलाइज करेंगे, और उल्टा सीधा करके समझा देते हैं। तुम्हारे समझ में आ जाता है कि हाँ बढ़िया, नैपसैक पढ़ाया यार, तो वो नैपसैक बस खाली तुम्हें नैपसैक पढ़ाया है, कुछ और क्वेश्चन आएगा ना नैपसैक जैसा, नहीं कर पाओगे। नैपसैक उन्होंने रटा दिया तुम्हें कि ऐसे करो, ऐसे इनिशियलाइज करो, तुम्हें एक बार कोड लिख दिया है ना, उसको समझना बहुत ईजी है, पर तुम्हें पता है क्या करना है, उसका कोड लिखना टफ है। कोड लिखा हुआ है तो कोई भी समझा देगा कि अरे ऐसा ऐसा हो रहा है, तुम्हें लगेगा अरे वाह इसका समझ में आ गया, पर कोड खुद से लिखोगे ना तब पता चलेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। तो अपन किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे, तो पहले रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद मेमोराइज करेंगे उसको, और फिर टॉप एंड डाउन लिखेंगे। और जो बहुत फेमस है ना, बहुत फेमस प्रॉब्लम है, उन पे और प्रॉब्लम्स भी बनती हैं, तो जिन पे और प्रॉब्लम्स बनती है, बहुत वेरिएशन है जिनमें, उनका सीधे टॉप एंड डाउन से शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा डीपी में, डीपी ऐसा ऐसा टॉपिक है ना जिसमें सबसे ज़्यादा पेरेंट्स क्वेश्चन है, जिसमें सबसे ज़्यादा पेरेंट क्वेश्चन है। पेरेंट क्वेश्चन क्या है कि एक क्वेश्चन दे रखा होता है, पेरेंट प्रॉब्लम, कि
एक प्रॉब्लम दे रखी है और उसके थोड़े बहुत वेरिएशन करके, ये वेरिएशन वन, वेरिएशन टू, वेरिएशन थ्री, वेरिएशन फोर, ऐसे करके बहुत सारे वेरिएशन निकाल देते हैं। डीपी में बेसिकली अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना, तो ये 10 प्रॉब्लम्स हैं, ये 10 प्रॉब्लम है। जैसे 01 नैपसैक, इस 01 नैपसैक पे 6 वेरिएशंस के क्वेश्चन बनते हैं, जो सबसेट सम वगैरह, काउंट द नंबर ऑफ सबसेट, टारगेट सम प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम, ये है सारी प्रॉब्लम जो भी है ना, ये 01 नैपसैक का वेरिएशन है। अनबाउंडेड नैपसैक पे 5 प्रॉब्लम बनते हैं, फिबोनाची पे 7, एलसीएस पे जितने, मेरे को अपने कोडिंग करने के जो एक्सपीरियंस में जितना मेरे को पता चला सिमिलरिटी, वो मैंने यहाँ पर पूरा बाइंड करके रखा है एक जगह पे। एलसीएस क्या है? लॉन्गेस्ट कॉमन सब सिक्वेंस, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सम सिक्वेंस, 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, केडीएन एल्गोरिथम, 6 क्वेश्चन, मैट्रिक्स चेंज मल्टीप्लीकेशन, बहुत अच्छा टॉपिक है। न्यूटेनिक्स पहला क्वेश्चन यही था जो मैंने सॉल्व किया था। डीपी ऑन ट्रीज भी लगती है, डीपी ऑन ग्रिड, डीपी ऑन ग्रिड क्या, कैसे क्वेश्चन, मतलब ग्रिड दे रखी होती है मैट्रिक्स, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, और कुछ अदर्स मैंने करे हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं जो मैंने ये लिए हैं। कुल मिला के ये 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये 10 क्वेश्चन हैं, और इन सब क्वेश्चन पे ना बहुत सारे वेरिएशन बनते हैं। तो अगर तुम ये 10 क्वेश्चन अच्छे से सीख लोगे ना, तो ये जो वेरिएशन है 6 इधर 5, इधर 7, इधर 15, इधर 10, ये सारे वेरिएशन ना बहुत इजीली हो जाएंगे। और ये वेरिएशन में ऐसे नहीं है, ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है वेरिएशन। जैसे कि अगर मैं नैपसैक की बात करूँ, तो कुछ वेरिएशन कौन कौन से है पता है? सबसेट सम, इक्वल सम पार्टीशन, काउंट ऑफ सबसेट सम, ठीक है, मिनिमम सबसेट डिफरेंस, बहुत सारे हैं। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें अपने को खाली एक प्रॉब्लम करने पे काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो टोटल अगर मैं ये 10 प्रॉब्लम्स ही पढ़ाऊँगा ना तुमको, तो तुम अराउंड 80 प्रॉब्लम सीख जाओगे, अराउंड 80। डाइनिंग प्रॉब्लम की 80 प्रॉब्लम्स अलग अलग याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमको, ये पेरेंट्स क्वेश्चन है जितने मैंने इधर लिखे हैं ना, ये बहुत ढूंढ के लिखे हैं मैंने, ऐसे ही नहीं आया है इस लिस्ट में, और कोई क्यों नहीं आया, ये क्यों आए, क्यों, ये कौन है, ये पेरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इन पेरेंट क्वेश्चन, 10 पेरेंट क्वेश्चन करने से तुम्हें 80 प्रॉब्लम्स बहुत आराम से आ सकती हैं, ठीक है। अब मैंने ये बता दिया, अब मेरे को क्या बताना है तुम्हें डीपी में? मैं तुम्हें क्या क्या सिखाया कि तुम्हें आइडेंटिफाई कैसे करना है डीपी का प्रॉब्लम है, सोल्यूशन को तुम अप्रोच कैसे करोगे, रिकर्सिव लिखोगे, और रिकर्सिव के बाद या तो मेमोजाइज करो उसको, या तो टॉप डाउन लिखो, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें बताया कि डीपी में पैटर्न्स होते हैं, बहुत अच्छे पैटर्न्स होते हैं, एक एक पैटर्न पे 10 10 क्वेश्चन हैं, और बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स बनती है ना, थोड़े से वेरिएशन। और न्यूटनिक्स में जैसे कि मैट्रिक्स चेंज मल्टीप्लीकेशन का ही वेरिएशन पूछा था। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो से नैपसैक उठाऊंगा, ठीक है, पहला अपना नैपसैक है, और मैं नैपसैक पे जो अपनी 6 प्रॉब्लम है, मैं नैपसैक को बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगा, इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन डिस्कस करूँगा, मेमोराइजेशन सिखाऊंगा, फिर इसके टॉप डाउन पे आऊँगा, अच्छे से पूरा नैपसैक को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके जो वेरिएशन है, जिस पे इसके 6 प्रॉब्लम्स बनती हैं, और वो सारी वेरिएशन हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? ओके, आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर, थैंक्स।